गौशाला संचालक से परेशान होकर किसानों ने हाईवे पर जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर एसडीएम ने आकर पूरे मामले को संभाला और किसानों की समस्या को हल करने का आश्वासन दिया। छतरपुर के मऊ सहानिया के किसानों का आरोप है कि बुंदेलखंड गौशाला 84 एकड़ में बनी है, जिसमें गौशाला संचालक ने 50 एकड़ जमीन किसानों को किराए पर दी है। गौशाला संचालक हर शाम गायों को बाहर छोड़ देता है, जिससे यह गाय उनके खेतों की फसल खा जाती है। इसको लेकर किसानों ने गौशाला संचालक से परेशान होकर रीवा ग्वालियर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जहां एसडीएम ने आकर किसानों की परेशानियों को सुना और गौशाला कर्मचारियों को दिशा निर्देश देकर समझाया कि दोबारा ऐसा ना हो, वरना फिर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब कुछ 100-150 गाय को रोड पर देखे कुछ ग्रामीण आए थे, उनकी गौशाला समिति जो है उससे संबंधित शिकायतें थी। उनका ये कहना था कि गाय जो है वो छोड़ दी जाती है शाम को और उनके लिए यहाँ प्रॉपर व्यवस्था गौशाला में नहीं की गई है। जितने संबंधित लोग थे उन्हें ये समझाइश दी गई कि वो एक आवेदन लिख के देगा, इस संबंध में हम जाँच करेंगे, पूरी जाँच की जाएगी। उनको ये बताया गया है, इस आधार पर उन्होंने आज चक्का जाम खोल दिया और जितनी गाय थी वो सब गौशाला में अंदर ले गई है। जो समिति के लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो नियम अनुसार सभी गाय का ध्यान रखें, संरक्षण करें। ये गांव की फसलें सब मिल गए नुकसान कर रहे हैं। जो गौशाला है बुंदेलखंड गौशाला, समस्या जो है गायों के लिए गौशाला बनी जो अंदर बंदी करते हैं, तो गांव वालों की फसलें सब चौपट करते हैं लोग। अब उनके लिए कह रहे हैं वो गेट वेट बंद करें और जो जमीन जो है ठेके पर दे रखी है, जो जमीन है वो ठेके पर दे रखी है। वो गांव वाले परेशान हैं, इसलिए सब कह रहे हैं भैया खोलो गेट अंदर करें। खेती होती है, खेती हुआ, ये पूरी बाजार में खेती पैदावार कर रहे हैं ये लोग, ठेके पर दे रखी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।